बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन्हें और से खबर शामिल करते हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद की ज़ेर सदार डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़द हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत पुनू, अल्ताफ़ हुसैन अंसारी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मिस तायरा खान, सेक्रेटरी DRTA मैडम अरूज फातमा, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकफ, CEO एजुकेशन जफर अब्बास रेहान, CEOs MCs के अलावा महकमा हाईवे, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, वापडा सुई गैस, सिविल डिफेंस, महकमा ज़रात, पुलिस और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मिस तायरा खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मार्केट्स के सदूर को इन्फॉर्म किया गया था कि वो दुकानों और प्लाजों के अंदर आग बुझाने वाले आलात व दीगर हिफाजती इंतजाम को मुकम्मल रखें।